हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूँ दिनेश, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो नल होता है सिरेमिक डिश वाला, उसका स्पिंडल कैसे वर्क करता है, स्पिंडल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब भी हम स्पिंडल को नोब की मदद से रोटेट करते हैं तो ये जो व्हाइट कलर का डिश होता है, वो व्हाइट कलर का डिश घूमता है और पानी का फ्लो चालू हो जाता है। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिरेमिक डिश वाला स्पिंडल है। हम इसको खोल कर दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इस सबसे पहले हम देखेंगे जो ऊपर वॉशर लगा है ब्लू कलर का। दोस्तों, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, ये खाली जो डिश है उसको प्रेस करके रखता है। इसके अलावा आपको थ्री पार्ट में आपको डिश मिल जाती है। नीचे सबसे पतली वाली प्लेट रहती है, बीच में जो है वो एक मोटी प्लेट रहती है, और ऊपर ग्रिप वाली प्लेट रहती है। गाइस, जब भी नल को लीकिंग का प्रॉब्लम होता है तो वॉशर का प्रॉब्लम नहीं होगी, जो डिश के अंदर जो दोनों डिश के अंदर जो ग्रीस रहता है वो ग्रीस खत्म हो जाता है, या अंदर कुछ कंकर वगैरह फंस जाता है जिसकी वजह से डिश प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से नल लीक करता है। तो अगर आपके नल में प्रॉब्लम हो रही है, नल के लीकिंग का प्रॉब्लम है, तो आप इसमें थोड़ा सा ग्रीस भी लगा सकते हैं, जिसकी मदद से ये डिश स्मूथ चलेगी और पानी का फ्लो रुक जाएगा। जब भी हम स्पिंडल को रोटेट करते हैं तो ऊपरी वाली दोनों डिशें जो है घूमती है, और नीचे वाली डिश की जो है अपनी जगह छोड़ देता है, तो पानी का फ्लो चालू हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको अंदर भी एक खांचा मिल जाता है जिसमें डिश अच्छे से फिक्स हो जाती है, और नीचे से जो है ब्लू कलर का वॉशर इसको प्रेस करके रखता है, जिसकी मदद से ये डिश घूमती है और पानी का फ्लो चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।